नमस्कार दोस्तों, आज 8 जून 2020 और आज के करंट अफेयर्स में मैं राहुल परमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किसे रोमानिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब है राहुल श्रीवास्तव को। चलिए डिटेल्स देखते हैं। राहुल श्रीवास्तव को अभी हाल ही में रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर मैं राहुल श्रीवास्तव की बात करूँ तो ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इससे पहले मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन और वेनेजुएला जैसे देशों में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए रोमानिया की तो रोमानिया देश पूरी दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर 96% लोगों के पास खुद का घर है ना। मात्र 4% ऐसे लोग हैं वहाँ पर रहने वाले जिनके पास घर नहीं है। अगर वहाँ की राजधानी की बात की जाए तो वो है बुकारेस्ट, और अगर मैं मुद्रा की बात करूँ यानी कि करेंसी, तो वो है लेऊ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना, एक राजधानी याद रखना और उसकी मुद्रा क्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघ संदेश मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? ठीक, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च की है। ठीक, और ये क्या करेगी, वास्तविक समय की जानकारी देगी, जैसे कि बेंगलुरु में अगर बारिश है, बाढ़ है, तूफान के अलर्ट का पूर्वानुमान प्रदान करेगी। कौन? मेघ संदेश। अगर मैं बात करूं तो इसे राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र IISC यानी कि भारत विज्ञान संस्थान बेंगलोर और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, तो ये ऐप क्या करेगी, वास्तव में आपको पहले से ही पूर्वानुमान यानी कि प्रेडिक्शन बता देगी, बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है या बारिश होने वाली है। ठीक है, और इसका इसमें कोशिश की जाएगी कि जो डेटा रहे वो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करवाने की कोशिश रहेगी। चलिए अगले न्यूज की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्व कीट दिवस कब मनाया गया? ठीक, तो इसका सही जवाब है सी यानी कि 6 जून। तो हाल ही में 6 जून को विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस 6 जून को मनाया गया। ठीक, अब ये क्यों मनाया गया? देखिए, कीट प्रबंधन संगठन द्वारा जो भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनको मीडिया के द्वारा या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, ठीक है, और इसके बारे में लोगों को नई नई जानकारी देना, इन सभी के लिए विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड पेस्ट डे भी मना बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI द्वारा किस शहर के एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में सर्वोच्च प्लेटिनम प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। डिटेल्स देखिए आप, अभी हाल ही में हैदराबाद के एयरपोर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक, को एशिया पैसिफिक में ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 है ना कि सर्वोच्च प्लेटिनम मान्यता प्रदान की गई है। ये अब इसको जो ये टाइटल मिला है ना, ये प्लेटिनम मान्यता मिली है, ये किस क्षेत्र में काम करने के लिए मिली है? ये मिली है इसको पर्यावरण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने के लिए। ठीक, देखिए, एशिया पैसिफिक ने वहाँ के जो एयरपोर्ट है उसमें कुशल जल प्रबंधन और पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन है ना ग्रीन चीज़ों को इस्तेमाल करना जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, ये सारी की सारी चीज़ों को ये अपना एयरपोर्ट है ये बढ़ावा देता है। इस कारण से ACI ने इसे ये टाइटल प्रदान किया है। चलिए अगले न्यूज की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2020 यानी कि WEOY पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है किरण मजूमदार शाह। डिटेल देखिए, हाल ही में बायोकॉन है ना, ये संस्थापक भी है बायोकॉन की है ना दोस्तों, कौन है, किरण मजूमदार शाह, ये बायोकॉन की संस्थापक भी है और इन्हें हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, ये भारत की पहली महिला उद्यमी बन चुकी है जिनको ये पुरस्कार मिला है और इसी कड़ी में ये तीसरी भारतीय हैं। याद रखना, पहली महिला है और अगर मैं भारत के लोगों की बात करूं तो उसमें तीसरी महिला है। तो पहला पुरस्कार किसको मिला था, ये मिला था इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति को। कब मिला था, 2005 में। इसके बाद दूसरा मिला था पुरस्कार किसे मिला है, ये है कोटक महिंद्रा के उदय कोटक को 2014 में ये पुरस्कार मिला था।
और अभी वर्तमान यानी कि 2020 में किसे मिला है? किरण मजूमदार शाह को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। किस राज्य द्वारा खाद वन परियोजना है ना, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल ने अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फूड फॉरेस्ट ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और ये पलक्कड़ जिला है ना, याद रखना आप, ये पलक्कड़ जिला है। अभी चर्चा में भी रहा था हाल ही में पलक्कड़ जिला। हाँ बिल्कुल सही जवाब। हाथीनी की जो मौत हुई थी इसके पहले उसको बताया गया था कि ये मलप्पुरम में का केस था, लेकिन एक्चुअल में वो पलक्कड़ जिले का ही केस था। तो वहाँ पर जो आदिवासी इलाके हैं उसके 192 के समथिंग जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ये योजना शुरू की गई है, ठीक है, किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा। तो इससे क्या होगा भाई, महिला किसान शक्तिकरण परियोजना का भी इसमें साथ है। तो ये सभी लोग क्या करेंगे, जो भी वन में रहने वाले जो लोग हैं इनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करेंगे जिससे कि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए, ठीक। चलिए अगले न्यूज की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया? चार ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल सही अनिल सूरी। डिटेल देखिए आप, तो बॉलीवुड के ये प्रोड्यूसर थे यानी कि फिल्म निर्माता अनिल सूरी, इनका कोरोना वायरस के कारण अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगर मैं बात करूँ इन्होंने कौन कौन सी पिक्चरों में काम किया है, तो कर्मयोगी जो कि राज कपूर और जितेंद्र रेखा वाली जो फेमस पिक्चर थी, राज तिलक जैसी मूवियों में इन्होंने काम किया है, ठीक। तो क्या नाम है इनका? अनिल सूरी नाम है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि अनिल सूरी जो थे वो किस कला से संबंधित थे, तो वो फिल्म प्रोड्यूसर जाएगा, आपके पास चार ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको ये कौन सा भी ऑप्शन चूज करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा समर ट्रिटर्स अभियान लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है HDFC बैंक द्वारा। अभी 2 महीने का लॉकडाउन चल रहा था, इस कारण से खरीदारी सभी बंद थी है ना, तो कोई सी भी चीज़ बिक नहीं रही थी। तो इस कारण से जब से अनलॉक हुआ है भारत, उसके बाद से अभी HDFC बैंक ने जितने भी ये बड़े उपकरण होते हैं उनके ऊपर नो कॉस्ट EMI और नो कॉस्ट डाउन पेमेंट है ना, जीरो डाउन पेमेंट आप बोल सकते हो इसे, और नो कॉस्ट EMI, तो ये एक सुविधा चालू की है किसने? HDFC बैंक ने। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, कुछ स्पेशल चुनिंदा ब्रांड रहेंगे उनके ऊपर आप उनको परचेस करोगे थ्रू HDFC क्रेडिट कार्ड, तो आपको नो कॉस्ट EMI, मतलब जो आप मंथली EMI भरते हो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, और आप जीरो डाउन पेमेंट के ऊपर भी कोई सी भी चीज़ खरीद सकते हो, ठीक। साथ में इसके साथ क्या रहेगा, आपको एक स्पेशल ऑफर भी रहेगा कि आपको इनाम वगैरह भी मिल सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, जिस देखिए ऐसा हुआ अभी हाल ही में कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, ठीक है, तो इससे व्यापारी को भी फायदा होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, इकोनॉमी में सुधार होगा भारत के लिए, ये फायदेमंद है। लोगों के लिए क्या फायदेमंद है भाई, ग्राहकों के लिए क्या फ़ायदा है भाई, नो कॉस्ट EMI पर अपनों कोई चीज़ मिल रही है, जीरो डाउन पेमेंट पे चीज़ मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ अपने को भाव टू भाव में मिल रही है ना, या तो आप कैश पेमेंट कर दो उसके लिए, या EMI का ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी योजना है जो कि HDFC बैंक द्वारा शुरू की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी जिसे हम बोलते हैं सीड्स को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO ने सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं हम इसको, सीड्स को 2020 का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार देने का निर्णय किया है, ठीक। तो ये पुरस्कार आखिर इसको ही क्यों मिला सीड्स को, तो इसका कारण था, इसका कारण क्या, बिहार और झारखंड में इन दोनों जगहों पर सीड्स ने क्या किया है, वहाँ के लोगों को जागरूक किया है, ठीक, कि आप पान मसाला मत खाइए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वगैरह ओके, इनके बारे में लोगों को जागरूक किया। और बहुत दिनों से ये इस क्षेत्र में एक प्रकार का NGO है, ये है ना, ये NGO काम कर रहा है। तो इसके सहयोग के लिए, समाज में इसने जो सहयोग दिया है इसके लिए WHO द्वारा इसको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर मैं बात करूँ WHO की, तो हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में है WHO, ठीक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में,
इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? टेड्रोस एडहानम। जी हाँ, टेड्रोस एडहानम। और WHO को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है वर्तमान में कोरोना के संबंध में, आप न्यूज़ देखते होंगे। अभी हाल ही में, आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा, अभी हाल ही में किस देश ने WHO की सदस्यता को छोड़ने की धमकी दी थी, उसकी फंडिंग रोकने की भी धमकी दी थी? ठीक, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए, WHO के ऊपर आरोप क्या लग रहा है कि ये इसने टोटल बायस्ड है ये, और इसका चाइना का इन्फ्लुएंस है WHO में। ठीक, और इसने जो कोरोना से संबंधित जानकारियां थी वो छुपाई। ठीक, क्यों छुपाई? चाइना के दबाव में आकर। तो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, लोगों ने बोला कि इसको ख़त्म भी कर देना चाहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। जियो में निवेश, जियो, हाँ बिल्कुल, जिसका आप नेट चलाते होंगे शायद, जियो में निवेश करने वाली कंपनी यानी कि मुबाडला किस देश की है? ठीक, तो इसको सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, यानी ठीक, UAE। तो अभी हाल ही में आबू धाबी की एक कंपनी, आबू धाबी किया है दोस्तों, ये राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है UAE, है ना, इसको UAE बोलते शॉर्ट में। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, वहां की एक कंपनी है मुबाडला इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसने जियो में अभी हाल ही में निवेश किया है। 1.85% इसने निवेश किया है, जो कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 निवेश की 9,093 करोड़ के समथिंग रुपए जियो को प्राप्त हुए हैं इसके द्वारा। और इसकी हिस्सेदारी यानी कि पार्टनरशिप कितनी हो गई है अब, 1.85। ठीक, अगर मैं बात करूं UAE की करेंसी की, तो ये है दिरम। ठीक, हाँ बिल्कुल, UAE अबू धाबी क्या है, बिल्कुल, क्या नज़र आ रहा है आपको? टावर आ रहा है, बहुत बड़ा एक टावर है वहाँ पर। ठीक, कमेंट करके बताइए इस टावर का नाम क्या है। ठीक, अगर मैं बात करूँ जियो की, तो हाल ही में जियो कंपनी ने, ठीक, या रिलायंस कंपनी ने जितना उसके ऊपर कर्जा है उसको कर्ज मुक्त करने के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आई है ये, कि भाई ये अपनी हिस्सेदारी कुछ इक्विटी बेच रही है। ठीक, तो 6 बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने जियो में अभी इन्वेस्ट किया है। इसमें से सबसे बड़ा है फेसबुक, जिसने अभी, और ये जो इन्वेस्टमेंट आया है ये पिछले 2 महीने में ही आया है। ठीक, 22 अप्रैल, देखिए आप, 22 अप्रैल से वर्तमान में हमें 8 जून को, इसमें ही इतने बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ठीक, अगर मैं बात करूं फेसबुक की, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फेसबुक ने किया है, 9.99% इक्विटी है जियो में फेसबुक की। उसके बाद सिल्वर लेक, विस्टा, जेनेरल एटलांटिक, KKR ने अभी हाल ही में किया था, और मुडाबला ने 5 जून को इन्वेस्टमेंट किया है। और कितना इक्विटी है इसकी, 1.85%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की, आई होप कि आपको अच्छा लगा है।